बच्चों, इससे पहले के वीडियो में शायद मैं तीन डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को आप लोगों को बताया था। एरिया फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव यूनिट को बताया था, एरिया, वॉल्यूम और शायद दो ही बताया था। अब मैं बता रहा हूँ डेंसिटी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग अपने से इसको बना लीजिएगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मास तो मास रहेगा ही, वॉल्यूम को कैसे लिखना है? ऑलवेज ऐसे लिखने का प्रयास अगर करिएगा, एरिया इंटू हाइट। तो आप हमेशा इसको फॉर्मूला को लिख रहे हैं, इससे प्रैक्टिस होगी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मास का तो किलोग्राम लिख देंगे, लेकिन बाकी का हम लोग ऐसे देखते हैं। एरिया को क्या लिख सकते हैं? लेंथ इंटू लेंथ। और हाइट को भी क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से लेंथ। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर गौर से देखें तो मास को क्या लिख देंगे? किलोग्राम। लेंथ को क्या लिख देंगे? मीटर। इस लेंथ को क्या लिख देंगे? मीटर। इस लेंथ को क्या लिख देंगे? मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलोग्राम बाय मीटर कितना हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। किलोग्राम ऊपर जाएगा तो पर मीटर क्यूब। ऐसे इसको पढ़ते कैसे हैं? किलोग्राम, किलोग्राम ऐसे लिखे। अरे माइनस जो है उसको पर पढ़ते हैं, पर पहले वो पढ़ लेते हैं माइनस को पर, और उसके बाद फिर नीचे जाते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ? ये नेम को मीटर, तो ऐसे लिखते हैं मीटर पर मीटर। और ये क्या है? तीन है, तीन है, तो इसको क्यूब बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आप लोग बनाए होंगे क्लास में, और मैं आशा करता हूँ क्लास में बोल दिया घर में आप लोग बनाए। आइए, बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर हम यहाँ किलोग्राम ही क्यों लिखेंगे, ग्राम क्यों नहीं लिखेंगे, मीटर लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते हैं? तो अगर हम लोग ऐसा सोच के चले कि हम लोग लिखते हैं ऐसा क्यों नहीं, तो आखिर कैसे हुआ होगा? अगर थोड़ा सा सोच के हम लोग देखें, हम लोग बैक थोड़ा सा चलते हैं कि हमारा इंडियन जो है मेजरमेंट सिस्टम वो कैसे डेवलप हुआ। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंडियन मेजरमेंट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ? चूंकि हम में से ज्यादातर लोग, हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि पहले का माप तौल की पद्धतियां क्या थी और अब की माप तौल की पद्धतियां क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आप आज भी जो हिंदू कैलेंडर जो पाए जाते हैं वह किसके आधार पर बात होती है? पक्ष, इतना पक, पहला पक, दूसरा पक, ऐसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो समय का होता था, चंद्रमा का जो है सो चक्कर माना जाता था, वह पक्ष से माना जाता था, और चंद्रमा के छाया से पहर की गिनती होती थी। पहर, एक पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा, ऐसे करके पहर की गिनती होती थी। ये मतलब हमारे पुराने समय से चला आ रहा है। कहिएगा सर इसमें कैसे हम लोग ऐसा मान लें? तो आज से अगर हम लोग 2400 वर्ष पहले भी अगर चले, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ शासन था, उस समय भी समय को है सो इसी प्रकार से मेजरमेंट के रूप में सो किया जाता था, और लंबाई को है सो उस समय भी सो धूरी में की जाती थी। 2400 ईसा पूर्व के बाद अगर हम लोग अकबर काल में आते हैं, तो अकबर काल में आप लोग सिनेमा में भी देखे होंगे कि उस समय है सो बहुत कम लोगों को ये ध्यान रहती है कि अकबर काल में भी हम लोग सो तोला शब्द का प्रयोग करते हैं, मासा शब्द का प्रयोग करते हैं, छटाक शब्द का प्रयोग करते हैं, शेर शब्द का प्रयोग करते हैं, मन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अकबर काल में किया गया था। और आज भी सुनार लोग जो होते हैं वो आज भी इसी में है सो छटाक, तोला, मासा, मन, शेर, ये भी सब में, मन शेर से तो नहीं बात करते हैं, लेकिन छटाक, तोला, शेर, रत्ती, इसमें बात करते हैं। क्या आपको जानकारी है कि एक रत्ती, आज अगर एक रत्ती अगर हम लोग बोलते हैं कि एक रत्ती जो होती है वह कितना ग्राम के बराबर होता है? आजकल हम लोग जो कहते हैं वह 120 मिलीग्राम के बराबर होता है।
एक रद्दि और आठ मासा बराबर, आठ मासा बराबर एक रद्दि है सो बोला जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि एक मासा बराबर क्या होगा, एक मासा बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे 8, तो वो इतना ग्राम भी। अब हम लोग जो है इस प्रकार से उस समय का हम लोग कार्यकाल को अगर देखें तो ऐसे जब ये बात चलते हुए 1947 में जब हम लोगों का देश आजाद हुआ, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तब उन लोगों का, हम लोगों का सभी का ये मन हुआ कि नहीं, जो फ्रांस की सिस्टम जो थी मेट्रिक सिस्टम उसको अपनाया जाए। बहुत लोग इस बात का गलत मायने निकाल लेते हैं कि भारत ने मेट्रिक सिस्टम को ऐसो खोज किया, नहीं, सबसे पहले मेट्रिक सिस्टम को फ्रांस ने ऐसो खोज किया। लेकिन इस चीज को ऐसो हम लोग बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मेट्रिक सिस्टम जो है वो इंडियन सिस्टम है, नहीं, इंडियन सिस्टम में उसको अपनाया गया था। और यह बात जो है 1947 से लेकर 1960 में ऐसा हुआ था कि भारत का ऐसा देश था जो सबसे पहले अपनाने के लिए तैयार हुआ, और फ्रांस में इस चीज की जानकारी पहले से थी। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 1947 से लेकर 1956, 1947 से पहले भी 1956 में है, सो इंडियन क्वाइंस एक्ट आया, ये भारत का क्वाइंस का है सो कानून बना। और क्वाइंस का कानून उस समय तक 1956 से पहले तक इधर क्या किया जाता था, 64 पैसा को, इसीलिए 64 पैसे को एक रुपये के बराबर माना जाता था, 1 रुपी के बराबर माना जाता, इसीलिए वहां पर 4 आना 8 आना, अगर कोई बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे कि पहले 4 आना चलता था 8 आना, 4 आना, 4 आना का मतलब क्या हो गया, 4 आना का मतलब इसको 4, यहाँ पर 4×4 इक्वल टू 60 पैसे हो गए। 8 आना का मतलब क्या हो गया, 8 आना का मतलब हो गया कि 8×4 मतलब 32 पैसा है। और उस समय तक 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा का वैल्यू था, इसीलिए जो पुराने लोग मिलेंगे या पुराना पेपर आपको कागजात मिलेंगे वो पैसे में मिलते हैं। और जब यह 16 आना होता था, 16 आना तब उसे 1 रुपया समझा जाता था, 16×4 तो यह है 64 पैसे। अब इसी को, इसी 64 पैसा को भारत के इंडियन एक्ट क्वाइन में क्या कर दिया गया, बोला गया कि नहीं 100 पैसा को हम मानेंगे 1 रुपया। ये कब बदला हुआ, यह 1956 में बदला हुआ, इससे पहले इसी में काम चलते थे। तो इसलिए अगर यह जो 100 पैसे के बात है वह हम लोग 1956 के इंडियन क्वाइंस एक्ट के आधार पर है सो प्राप्त है, और हम लोग उस समय 25 पैसा बोल रहे थे, हम लोग उसके बाद है सो 25 पैसे का हुआ, उसके बाद आपको 50 पैसे और उसके बाद 100 पैसे, पैसे इक्वल टू 1 रुपी ऐसा लिखा हुआ रहता है। यही कारण है कि अब हम लोगों को ऐसा लिखा हुआ था। अभी क्या है, जैसे जैसे पैसे का महत्व को हम लोग है सो आना में थोड़ा सा अपने में मतभेद होने लगा कि ऐसा हिसाब करना डिफिकल्ट होता, उसी प्रकार 25 पैसे या 50 पैसा का हिसाब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा, तो क्या करने लगे, 1 रुपया का सिक्का चलना होता है, 50 पैसा कहीं कहीं अभी भी चलते हैं, कारण यही है। इसका मतलब क्या है कि जब 25 पैसे या 50 पैसा मतलब 2000 आपका है सो 10 तक चला,
उसके बाद से 25 पैसे या 50 पैसे का महत्व को हटा दिया गया और वो 1 रुपया में भी चल रहा है। तो हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर गौर से हम लोग देखें तो उससे पहले हम लोग जितनी भी बातें करते थे वह सो लेन देन की प्रक्रियाएं जो होती थी 1900 मतलब हम लोगों का जब ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर हैसो प्रभुत्व था उस समय हम लोग हैसो आना में काम करते थे, उसको भी हैसो इंडियन मतलब लोग है या हम लोग जो है उसको स्वीकारे नहीं, तो क्या करने लगे उसको सुधार करके हम लोग 100 पैसा को 1 रुपया में बदल दिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का जैसे जैसे समाज में टेक्नोलॉजी का विकास होता है वैसे वैसे मेजरमेंट का भी स्टैंडर्ड में बदलाव किया जाता है। और यह मैंने क्या बताया 1956 में हुआ, इससे लेकर के अभी अब कितना चल रहा है 2020 चल रहा है। इसका मतलब हम लोगों के पास अभी कितना साल गुजर चुका है, तो लगभग अगर देखिएगा तो आपको है 120 और उधर है 144 मतलब 64 साल गुजर गए, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। तो हम वही चीज बता रहे हैं कि सिस्टम जो है हर बार चेंज हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। हम ऐसा क्यों कर हमारे हम लोगों के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति यानी कौन कौन से मात्रक हैं। जैसे अभी हम लोगों के मन में यहाँ पर किलोग्राम में ग्राम आया था, अब यहाँ मिलीग्राम लिख दिया मैंने, मिलीग्राम से यहाँ पर हम लोग ऐसा आना से पैसे में बदलने लगे, पैसे से फिर हम लोग रुपया में बदलने लगे, करेंसी को फिर ऐसा अलग अलग देशों में इस देश का करेंसी रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखने लगे, यानी क्या ये सिस्टम होगा। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वह पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट किस प्रकार से हम लोगों का सिस्टम ऑफ यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए अपनाया गया। ये आगे चल करके मैं नेक्स्ट वीडियो में